हाय फ्रेंड्स, और एक ज़बरदस्त वीडियो के साथ मैं नित्तो आया हूं आपके पास। चलिए, आज के जो वीडियो होने वाला है वो आप लोग मेरे पीछे शर्ट देख के आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि आज का वीडियो किस टॉपिक पे होने वाला है। आप लोगों ने सही समझा, आज का टॉपिक जो होने वाला है वो शर्ट के ऊपर होने वाला है। और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा दोस्तों, लास्ट में मैं कुछ प्रो टिप भी आपसे शेयर करूँगा जिससे कि आप लोगों को शर्ट खरीदते टाइम कोई भी कन्फ्यूजन ना हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, जो लोग वीडियो देखते हैं लेकिन वीडियो को सब्सक्राइब नहीं करते, उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा, अगर कमेंट में अपना सुझाव ज़रूर रखिएगा दोस्तों। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो शर्ट में वैसे अगर हम लोग गूगल वगैरह की देखें तो दोस्तों, गूगल में तो करीबन 11-12 तरीके के होते हैं। टिकली अपना मार्केट में या स्टोर वगैरह में चलता है, वैसे हम लोगों के हिसाब से तीन ही क्वालिटी के शर्ट आते हैं। जैसे एक हो गया कैजुअल, दूसरा फॉर्मल और तीसरा आता है पार्टी वेयर। तो फॉर्मल की बात करते हैं, फॉर्मल जो है वो दोस्तों ऑफिस वेयर या कोई आप कॉन्फ्रेंस वगैरह में जाते हैं तो उस टाइप का फॉर्मल यूज़ हो जाता है। और कैजुअली पकड़ लीजिए, आप कहीं मार्केट जाते हैं या कोई थोड़ा बहुत इधर घूमने फिरने जा रहे हैं तो वो कैजुअल के हिसाब से कैजुअल शर्ट आप वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। और जो पार्टी वेयर होता है वो शादी वगैरह ये सब में आप लोग जनरली यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल्स में बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं नेक के बारे में दोस्तों। नेक एक पर्सपेक्टिव मैटर होता है, वो चॉइस अपना अपना होता है, लेकिन फॉर्मल में एक ही तरह की स्टेन कॉलर यूज़ होता है। और जो कैजुअल होता है, जिसे मैंने पहन रखा है देखेंगे होंगे, तो वो शॉर्ट कॉलर होता है दोस्तों। शॉर्ट कॉलर है वैसे सब लोगों को अच्छा नहीं लगता, जिनकी नेक जैसे मेरे जैसे लंबा नेक जिनका है उनको थोड़ा सा स्टेन कॉलर पहनने से ज़्यादा अच्छा लगता है, लेकिन मैंने पहन लिया। चलिए मुझे अच्छा लगता है तो मैंने पहन लिया, वो भी आपके चॉइस का ऊपर डिपेंड रहती है दोस्तों। उनमें काफ़ी सारा कॉलर आता है, जैसे शॉर्ट कॉलर हो गया, मैंडरिन कॉलर, वैसे बहुत सारे कॉलर की वैरायटी आते हैं। वो अपने अपनी चॉइस है, वो आप देखिएगा आपका कैसा यूज़ है और आपको कैसे कॉलर ज़्यादा समझ में आता है तो आप उसी हिसाब से चूज चलते हैं। दूसरा जो पड़ाव है दोस्तों, फिटिंग तीन तरह के फिटिंग आते हैं। पहला है स्लिम फिट, दूसरा है रेगुलर फिट, और तीसरा जो आता है वो सेमी फॉर्मल फिट, जो कि कैजुअल में भी चल जाता है और फॉर्मल में उसका लुक, उसका जो फिट होता है बहुत ज़्यादा फॉर्मल भी नहीं, बहुत ज़्यादा लूज भी नहीं होता है, बहुत ज़्यादा स्लिम भी नहीं होता है। ये थोड़ा सा और थोड़ा डिटेल में जानते हैं दोस्तों। फिटिंग की बात हमने कर ली, कॉलर की बात हमने कर ली, अब बात करते हैं थोड़ी सी निचले हिस्से की दोस्तों। निचले हिस्से में जैसे शर्ट का आपने देखा होगा, जो फॉर्मल शर्ट होता है वो थोड़ा सा स्ट्रेट सा, उसका जो नीचे का पोर्शन होता है वो स्ट्रेट होता है, और जो कैजुअल शर्ट होता है उसका एप्पल कट, कुछ लोग एप्पल कट भी बोलते हैं, कुछ लोग चाइनीज कट भी बोलते हैं। जो एप्पल कट होता है दोस्तों वो किस लिए बनाया गया, और जो स्ट्रेट फिट है उसको, जो स्ट्रेट कट होता है उसको किस लिए बनाया गया, उसके बारे में भी हम लोग इस वीडियो में बात करते हैं दोस्तों। जो स्ट्रेट कट हो गया, जैसे फॉर्मल शर्ट आप पहन के थोड़ा बहुत मूव करते हैं तो मूव करने के बाद क्या होता है, वो शर्ट इस साइड से निकलना चालू हो जाता है। तो इस शर्ट से जैसे ही निकल जाता है वो थोड़ा सा हम लोगों को ऑकवर्ड लगता है। आप कहीं पे जाएंगे इधर से शर्ट निकला हुआ होगा तो बहुत गंदा दिखेगा, इसीलिए क्या होता है फॉर्मल शर्ट थोड़ा सा लंबा दिया जाता है ताकि वो जब भी हाथ को मूवमेंट करे तो शर्ट निकले नहीं। और चाइनीज कट या जो एप्पल कट होता है उसको कट इसीलिए दिया जाता है, जैसा कि आप मेरे शर्ट में देख सकते हैं, क्योंकि जब भी आप जेब में हाथ, अगर शर्ट आपका फ्लैट हुआ तो आप जेब में जब भी हाथ डालेंगे तो हाथ डालते टाइम क्या होगा, आपका शर्ट में हाथ फंस जाएगा, हाथ शर्ट में ना फंसे इसलिए इस जगह को ऐसे डिजाइन, जिन लोगों ने भी शर्ट की इन्वेंट किया है उन लोगों ने शर्ट की इन्वेंट करते टाइम काफ़ी सारा उस पर रिसर्च किया। और रिसर्च करने के बाद जैसे आप लोग देख सकते हो, काफ़ी सारी लोगों की ये क्वेरी रहती है कि इसी जगह में शर्ट का डबल कपड़ा क्यों दिया होता है, पूरा शर्ट आपका सिंगल कपड़ा से बनाया जाता है, सिर्फ शोल्डर में डबल कपड़ा क्यों दिया जाता है, ये सब भी काफ़ी सारे क्वेश्चन है। ये और एक किसी वीडियो में हम लोग इसकी आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो चलिए अब दूसरा टॉपिक पे चलते हैं। जब भी आप शर्ट खरीदने जाए तो आपको कैसे पता होगा कि इस शर्ट का स्टिचिंग बढ़िया है या नहीं, इस शर्ट का कपड़ा कौन सा लेना चाहिए। हम जैसे देखिए, स्टिचिंग के बारे में अगर आप थोड़ा सा भी रिसर्च करेंगे दोस्तों, ये जो स्टिचिंग होता है इसको एक इंची जगह आप ले लीजिएगा, एक इंची में कितना ये स्टिचिंग किया जाता है उसको आपको गौर से देखना है, क्योंकि एक इंची में जितना ज़्यादा स्टिचिंग होगा
उतना स्टिचिंग क्वालिटी बढ़िया होगा। जितना कम स्टिचिंग होगा तो आप समझ सकते हैं कपड़े से पहले स्टिचिंग खुल जाएगा, तो इसीलिए स्टिचिंग को देखना पहला प्रिफरेंस आप इसको दीजिएगा, क्योंकि कपड़ा जैसा भी हो स्टिचिंग अगर अच्छा होगा तो वो लॉन्ग टाइम तक ड्यूरेबिलिटी। दोस्तों आप लोग फिटिंग और स्टिचिंग के बारे में समझ गए होंगे, और कपड़ा जो देखना है आपको कोशिश कीजिएगा, अभी गर्मी का सीजन है तो आप लोग कॉटन लेने का कोशिश कीजिएगा। अगर आपको कोई और भी फैब्रिक पसंद आता है तो उसका क्वालिटी आप जो स्टोर कीपर जो सेल्स पर्सन होंगे उनसे पूछ लीजिएगा, कपड़ा के बारे में डिटेल्स में जान लीजिएगा कि अलग तरह के फैब्रिक आपने इस समर में यूज़ किया तो आपको इचिंग प्रॉब्लम हो सकता है और बहुत सारा अनइजी फील हो सकता है गर्मी में, तो इसीलिए कोशिश करें कि कॉटन के साथ ही जाए। और अगर कॉटन आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप डेनिम और दूसरे दूसरे फैब्रिक्स भी है उनके बारे में भी आप देख सकते हैं। तो आशा करता हूं दोस्तों इस वीडियो में हमने आपको जानकारी देने की कोशिश की, अगर कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मैं कमेंट की रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में। जय हिंद।